ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो 10 अगस्त के बाद लगने वाली फाइल्स के ऊपर बच्चों की एक टेंशन थी, एक वरी थी, भाई रिजल्ट ट्रेंड कैसा रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने अपनी फाइल्स को होल्ड करके रखा हुआ, इवन बहुत सारे एजेंट्स ने भी होल्ड करके रखा था। तो ट्रेंड क्या है? तो अभी बहुत ज्यादा रिजल्ट्स तो नहीं आए, बट डेफिनेटली कुछ रिजल्ट्स रिसीव होने शुरू हो चुके हैं। तो मैं एक चीज तो बता दूं कि अब आईएलटीएस और पीटी, अगर आपके पास 6 ओवरऑल आईएलटीएस है और पीटी ओवरऑल 60 है, तो वो आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा। अब डिसीजन मेकिंग को ओनली एंड ओनली आपका प्रोफाइल, कोर्स सिलेक्शन, ये दो ही चीजें मेजरली मैटर कर रही हैं। तो अगर आपका प्रोफाइल, मतलब आपका एकेडमिक स्ट्रांग है, स्ट्रांग एकेडमिक की परिभाषा हर वीजा अपने अपने हिसाब से देखता है, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि आपके 60 ओवरऑल होने चाहिए और प्रेफरेबली ईच सब्जेक्ट भी 60 होने चाहिए। डी ग्रेड नहीं होना चाहिए अगर आपकी मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम है, दिख रहा है सामने। और दूसरी चीज ये कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस, इसमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हो, उसका कोई मेजर इफेक्ट डिसीजन पे नहीं है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स सिलेक्शन। ये बात है, अगर आपका ये कोर्स बैचलर्स का फिट बैठता है तो बैचलर्स करें, अगर डिप्लोमा फिट बैठता है डिप्लोमा करें। रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, 1 में 5.5 में भी आ रहे हैं, 2 में 5.5 में भी आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 6 ईच में पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। सो आईएलटीएस पीटी की टेंशन अब ना लें। अगर 6 ओवरऑल है, पीटी 60 ओवरऑल है, तो निश्चिंत और बेफिक्र होकर अपना कनाडा स्टडी वीजा अब आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। अपनी एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं तो तुरंत ब्रॉडवे टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे यूट्यूब दोस्त अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम अपनी नियरेस्ट टीम को कैसे कॉन्टेक्ट करें। मतलब कोई दोस्त गुजरात से होता है, तो कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई जम्मू से। सो दोस्तों, हमारा एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है 9023890238। इसी पर आप कॉल करके हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और टीम आपको नियरेस्ट जो ब्रांच वाली टीम है आपके आसपास में, उनसे कनेक्ट कर देगी, जहां पर आप अपने कंफ्यूजन डाउट्स को दूर कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशंस, वीजा एप्लीकेशंस कहीं से भी चला सकते हैं, लेकिन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल का एक ही मकसद, एक ही मोटो है कि आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रूल्स, रेगुलेशंस के साथ जोड़ के रखना। तो कल भी मैंने बताया था कि ये लास्ट ऑप्शन है जिसमें स्पाउस एप्लीकेंट्स नवंबर इनटेक विदाउट आईएलटीएस, विदाउट पीटी, विदाउट इंटरव्यू और विद 10 इयर्स प्लस गैप जा सकते हैं। इस ऑप्शन के अंदर अब प्लस टू वाले स्टूडेंट्स भी जा सकेंगे। एक ग्रेजुएशन का कोर्स उन्होंने ओपन किया है और इसमें जो 10+2 वाला स्टूडेंट है वो सीधा फाइनल ईयर में जाएगा, मतलब उसकी ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल की रह जाएगी। आप प्लस टू के बाद सीधा फाइनल ईयर में पहुंचोगे और निश्चिंत और बेफिक्र होके उसके बाद अपना PSW लो और सब कुछ करो। तो आपको एक ही साल यहाँ पे पढ़ना है, 2 साल का आपका जो एक समय है वो भी बचता है, 2 साल की जो फीसिस हैं वो भी बचती हैं। स्पाउस वाले मास्टर्स के लिए जा सकेंगे, प्लस टू वाले सीधा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के लिए जा सकेंगे। रिक्वायरमेंट्स मैंने कल भी बताई थी, ग्रेजुएशन वालों के 55% होने चाहिए, प्लस टू वालों के 60% होने चाहिए। एनी बोर्ड इज एक्सेप्टेबल, इंग्लिश के मार्क्स मैटर नहीं करते, आईएलटीएस पीटी का स्कोर नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज आप सब लोग मान के चलना, भाई मैं पहले कह के चल रहा हूं, आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटरव्यू आता है यूनिवर्सिटी का नहीं है बट कल को एम्बेसी का आ जाए, तो ऐसा ना हो कि आपके हाल ये हो कि हम आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी ना करवा पाए। सो प्लीज, जो बिल्कुल इंग्लिश में लेमैन है वो इसमें नहीं चलेंगे। तो ऐसा बच्चा हमारी तरफ चाहे ना दौड़े, वो दौड़े जो अपने सेप्टेम्बर इनटेक को मिस कर चुका है। प्लस टू वाला वो दौड़ सकता है जो सीधा फाइनल ईयर की एंट्री लेना चाहता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं पढ़ना चाहता, उसके पैसे भी बचेंगे, उसकी फीसिस भी बचेंगी, बहुत सारे खर्चे का इसमें बेनिफिट होगा। सो टीम से आप इमीडिएटली कॉन्टेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर के ऊपर, और प्लस टू वाले और ग्रेजुएशन वाले दोनों ही स्टूडेंट आकर मिल सकते हैं। तो ऑप्शन ओपन है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसमें सीट्स आर लिमिटेड, अप्रोक्सीमेटली 140 सीट्स ओनली फॉर नवंबर इनटेक। तो कोई 2000-3000 बच्चा हम नहीं ले सकते, क्वालिटी वाले 70-80-90 स्टूडेंट्स के केसेस हम ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेस फास्ट चलाना होगा, डॉक्यूमेंटेशन फास्टली प्रोवाइड करना होगा, और जो एंड डेट में सोच सोच के अप्लाई करेंगे उनका हम कुछ नहीं कर सकते। अगले 10-15 दिन में जो केस आएगा वो डेफिनेटली अपने टाइम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। पूरा केस आपका एक पैकेज में होगा जहां पर आपको सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद।
ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।